सुफियान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपने राय अवाम की भी सुनी, सियासी सतह पर भी आपने रद्द अमल जाना। आप ये बताइएगा कि तारीखी अदबार से भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान की आइन की रूह से भी आपसे ही राय लेना चाहेंगे, और ये भी पूछेंगे कि अगर सूबों का मुतालबा किया जाता है तो उसका बनने का अंदाज क्या होगा। सूबे, ये तो अभी जो आप अवामी राय ले रहे हैं, ये तो एक आवाम की उमंग है और उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको उनकी शनाख्त दी जाए। और बात इस वक्त जो है वो तकरीबन शनाख्त की चल पड़ी है, और पहले फार्मूला ये तय हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे सूबे बनाए जाएं। अच्छा, आइन में भी ये गुंजाइश है कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है कि सूबे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस सूबे में आपको सूबा चाहिए तो पहले वहाँ से एक जो करारदार है वो मंजूर कराई जाए। लेकिन हो ऐसा रहा है कि जो सूबा मौजूद है उसके अंदर इसे एक नस्ली जो है और वो तासुब का जो है वो एक मैं कहता हूँ पेश खेमा बनाया जा रहा है। और गुज़श्ता दिनों जो कुछ कराची में हुआ वो एक मैं कहता हूँ लिसानी फसाद की बहुत बड़ी जड़ बन गई है। तो जहाँ तक आपका जो सवाल है कि आइन में कितनी गुंजाइश है, आइन में गुंजाइश है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो पार्लियामेंट ने ही तय करना है, क्या वो सूबाई असम्बली हो या वो कौमी असम्बली हो। सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा। आइन में जो तरीकेकार मौजूद है कि अगर आप सूबे की बात करते हैं तो उसी सूबे की असेंबली से आप इस बिल को पास कराएं। हम ये देखते हैं माजर सूबा तहरीक के हवाले से खास तौर पे कि वॉल चॉकिंग्स नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां नजर आ रही है, प्रेस क्लब पे धरने दिए जा रहे हैं। इस तरह तो तशद्दुद को फरोग मिलेगा, इसमें असेंबली हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आवाम की एक राय है, ये इनकी डिमांड है, और इस डिमांड को जो मुंतखब असेंबली के मेंबर हैं उन्होंने अमली जामा पहनाना है, तो लिहाजा वो ये इनकी गुजारिश। मैं एक यहाँ पे जो वीवर आपके बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा है, मुतालबा किया अल्ताफ हुसैन साहब से किया है, तो वो यहाँ की मुंतखब एक जमात है और उन्हीं ने बेशक ये पार्लियामेंट में लेके जाना है। तो ये इनकी अभी तो राय है, इसमें अभी किस हद तक ये एमक्यूएम को अपने करीब लेकर आते हैं और कहाँ तक एमक्यूएम इनकी आवाज़ के साथ लबैक कहेगी, ये एक सेकेंड एपिसोड होगा। अभी तो ये सिर्फ एक राय चली है, और जहाँ तक डिमांड की बात है तो डिमांड इनका हक है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, पाकिस्तान बनने में इनका एक अहम किरदार है। ये आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे जी। क्या सलमान भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप आइन की बात कर रहे हैं, ये जो हमको मार रहे हैं ये आइन के साथ जो मार रहे हैं, हमको रोक रोक के मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, आइन वाइन को छोड़ दें। देखिए, एक तो आप बात करते हैं मारने की, एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं, ये एमक्यूएम वाला समझ कर ही मारते, ये माजी समझ कर मारते, शनाख्ती कार्ड चेक करते, उस पर लिखा होता है एमक्यूएम, उस पर लिखा होता है कहाँ का एरिया का जो एमक्यूएम होल्डिंग एरिया है उसको ये लोग मारते हैं। आइन वाइन को छोड़ दें, आइन कोई भी नहीं, मतलब हमारी निगाह में अब आइन जो है मतलब उसके माने नहीं है। और बात करते हैं एमक्यूएम की, एमक्यूएम अगर साथ देती है तो सही है, ठीक है, लेकिन ये सूबा आपने हर कीमत पर एनी कॉस्ट ये इसको देना है। अच्छा सलमान, यहाँ से भी एट एनी कॉस्ट सूबा आपने देना है, आपने इन भाई की बात सुनी, इन भाई का मैं जवाब ले लेते हैं। देखिए, अगर आपको सूबा अशद है, बहुत ज़रूरी हो गया है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप उस महरूमियत के अताब आ गए जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, तो फिर आप इस तहरीक को खुद पार्लियामेंट तक लेके जाएं, आप अपने नए जो नहीं देखिए मसले का हल पार्लियामेंट में ही है। सर, ये पाकिस्तान जब ये हुआ था तो मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, ठीक है, मुसलमान जो है उस पर थे, लेकिन पाकिस्तान बन गया, हकीकत यही है ना। देखिए, जो भी अकलियती मुसलमान थे उन्होंने आइन की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आइन के तहत हलफ उठाते हैं और ख्वाहिश पर मुल्क चलता है, यहाँ को तो ये है, ठीक है जी, जब ख्वाहिश पर मुल्क चल रहा है तो ख्वाहिश पर सुबह भी बनेगा, आइन पर नहीं बनता कुछ। बहुत अच्छी आपने बात की कि आइन पर हलफ उठाते हैं और ख्वाहिश पर मुल्क चलता है। जी मोनस, कुछ और व्यूज लेना चाहेंगे जी। बड़ी मेहरबानी भाई ने अभी बात, देखो आप लोगों के सामने ये बात बात हुई है कि जी आप अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो जाएं वो बोलें। मैंने आपको उससे पहले आपके सवाल करने से पहले सिंध असेंबली में 51 सीट्स है ना सर, मेरी सुन तो लो, अर्ज तो सुन लो मेरे भाई, 51 हो या 53 हो वो छोड़ो, अगला जो वोट पड़ेगा वो सूबे के लिए अल्ताफ हुसैन को दिया जाएगा और उसके तहत अल्ताफ हुसैन को मुतालबा करना होगा कि हमें सूबा चाहिए, हम सूबे के लिए वोट दे रहे हैं। एमक्यूएम से कहें मंशूर में शामिल कह दिया। ठीक है सरदार साहब वाली बात सामने आ गई। आपने कहा कि आपकी जमात को बने हुए 9 माह हुए हैं और अब आप इलेक्शन में जाएंगे और अपनी जो है नंबर्स दिखाएंगे और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। यही बात इन भाई ने कही कि अब जो
कराची की जमात को वोट मिलेगा वो इसी बुनियाद पे मिलेगा कि इनको अलहदा सूबा चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और इनको भी मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा और हजारे में भी ऐसा ही होगा। एक बात, दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ने एक बात अभी बताई है कि ये ख्वाहिशात के ऊपर बात करते हैं, और नो डाउट ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। मैं उसकी मिसाल ये देता हूं कि पख्तूनख्वा कभी भी नाम ना बना था ना हुआ था। नहीं, मैं पख्तूनख्वा की इसलिए बात कर रहा हूं कि पख्तूनख्वा नाम जब असम्बली से मंजूर किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जरदारी साहब उससे पहले अभी असम्बली में ये चीज़ आई नहीं थी, तो UNA में बैठ के उन्होंने पख्तूनख्वा का नारा लगा दिया था। पहली बात तो आप ये देखें कि उन्होंने ANP को कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरा ये नाम रख के छोड़ूंगा, तो तू मेरे साथ रह। यही बात उसके बाद नवाज शरीफ साहब से जब इनकी डील हुई तो नवाज शरीफ साहब को इन्होंने कहा कि भाई आप तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप इसमें बस ये दस्तखत कर दें तो हम इसको मतलब नाम लगाएं। ये तीनों ट्रैका बैठे ANP पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तीनों जब बैठे और बैठने के बाद इन्होंने पख्तूनख्वा का नारा लगा दिया, जबकि उससे पहले जो कायद बाबा हैदर जमान है उस वक्त नाजम होते थे, सिटी नाजम होते थे एबटाबाद के, तो उन्होंने बाकायदा इनको लेटर लिखा कि खुदारा ऐसी गलती ना करें, अगर ये करेंगे तो ये आगे जाके बात बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर मैं आपको थोड़ी सी ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि आज CNBC वालों ने भी हमारे पे रैम किया, हजारे वालों को बुला लिया, जबकि ये बुलाते हैं दूसरे लोगों को, और दूसरे लोग आके रोज़ाना वही चेहरे आके बदल जाते हैं। कभी इन्होंने जब बात हजारे की करते हैं और हजारे वाली नुमाइंदे को बुलाते ही नहीं है ना पूछते, भाई आप फ़ोन से पूछ सकते हैं, आप बुला के पूछ सकते हैं। एक मैं CNBC की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये बुलाया है। तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ जब बाबा जी ने ये काम किया तो इनको उन्होंने आगे से इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद उन्होंने अप्रूव करा दिया ये इसको कि ये कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ समझे कि, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं कि हज़ारा सिर्फ नवाज शरीफ का होता था, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, सारी सीटें नवाज शरीफ लेता था वहाँ से। तो फिर जब ये चीज़ हुई तो अवाम उठ खड़ी हुई। अब जब अवाम उठ खड़ी हुई तो नवाज शरीफ साहब वहाँ अल्लाह के फजल से अब जा भी नहीं सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। समझे जी, खालिद मुमताज साहब, तो नहीं अभी पूरी सुन लेना, बात को मुकम्मल होने दें ताकि पता तो लगे हमारे दोस्तों को, पूरी जो पब्लिक सुन रही है उनको। बात यह है कि जब ये बात होने के बाद फिर उनको बड़ी अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने फिर ये किया, लेकिन वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म की खुशी में उन्होंने ये काम करा दिया, जिसका मैं समझता हूँ कि आज ये रिजल्ट आ रहा है। और वो आए बाएं देख रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि मेरे हाथ से ये सूबा बने। भाई अब आपके हाथ से क्यों बने, अगर MQM ने जाके वहाँ पे अगर तहरीक पेश कर दी तो अगर आप देना चाहते हो, हजारे को मानते हो, तो वहाँ उसको अप्रूव करो ना सारे। आप पीछे पीठ पीछे तो बैठ के आप कहते हो कि जी हम ठीक है जी हजारा सूबा बने, हम वो नहीं करते। पहले वज़ीर आज़म ने भी कहा हजारा सूबा बने, हम नहीं मानते। ANP ने कहा मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, तो उसने क्या किया कि वो एकदम उसको काट के सराइकी की तरफ चला गया। वज़ीर आज़म साहब क्या सराइकी के वज़ीर आज़म है भाई, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। वो देखें तो बराबर की आंख से सबको देखें, वो कराची को भी देखें, वो वहाँ को भी देखें, वो सबको देखें। अच्छा, कोई एक मौका नजर आता नहीं है। मोनस, वो सराइकी सूबे की हुकूमत जो है हिमायत करती है, और सिंध में जो है वो सूबे की मुखालिफत करती है, तो हुकूमत का तो इस वक्त एक व्यू कोई हमें नजर नहीं आता। जी नाज़िम, बिल्कुल बात हो रही है इस वक्त उर्दू सूबे की, सराइकी सूबे की, और हजारा सूबे की, और नुमाइंदगी भी हमारे पास मौजूद है, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अवाम ने अपना देरीना मुतालबा कर दिया है कि आने वाले इंतखाबात में अब वोट जिस भी जमात को दिए जाएंगे उनसे यही मुतालबा किया जाएगा कि उनको अलहदा सूबा कहीं से भी लाकर दिया जाए। इसी पर हम मजीद बात करेंगे, फिलवक्त एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।